हाय स्टूडेंट, टेनर कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अब आपका पहले का फोर्थ क्वेश्चन, फिर उसी मेथड से देखो, इस दोनों मेथड से फिर से सॉल्व करना है आपको। पहले एलिमिनेशन मेथड से, फिर उसके बाद क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहले विलोपन विधि में फिर से जैसे पहले करते, पहले इक्वेशन के स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करते हैं। किसके फॉर्म में? ax + by + c = 0 किसके फॉर्म में चेंज करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे अगर 3x और 2 का मल्टीप्लाई इसमें 2 2 4 y और 3 2 क्या हो जाएगा 6 = माइनस में 1 3x और 2 2 4 y ठीक। और यहां 3 2 6, अब आपको यहां से मिलेगा 3x + में 4 y और ये 6 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो माइनस में 6। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन आपका। सेकंड इक्वेशन देखो, ये डिवाइड बाय 1 मान लो, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 3x और 1 का मल्टीप्लाई इसमें तो मतलब माइनस में y इक्वल टू, अब देखो यहाँ नीचे बचेगा 3 इक्वल टू क्या है 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा 9। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन ठीक। तो हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया इक्वेशन से ही, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई नहीं किया हमने कुछ भी। तो ये अपना पहला और थर्ड सेकंड इक्वेशन। देखो हमें करना क्या होता है कि एक कोएफिशिएंट सेम करना होता है, मतलब वन वेरिएबल को रिमूव करना होता है, एक को हटाना होता है। अब देखो क्या है, इसमें पहले से ही 3x इक्वल है तो मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ से क्या करोगे, यहाँ पे प्लस प्लस है तो मैंने बोला था सेम साइन हो तो माइनस करेंगे, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट या बाई फर्स्ट। अब देखो हम कर रहे हैं माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, ये क्या हो गया कैंसिल। और ये 4 प्लस में, ये भी प्लस में, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू 9, 6 कितना होता है 15, तो माइनस में 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस में 15 अपॉन में 5, 5 3 जा 15, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस में 3, y की वैल्यू माइनस में 3। अब ये y की वैल्यू पुट कर दो बस किसी इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिखा है तो देखो पुट द वैल्यू। पहली इक्वेशन रखना है, पहला इक्वेशन क्या है 3x और प्लस में 4, y की वैल्यू कितनी मिली माइनस में 3 और इक्वल टू माइनस में 6। तो यहाँ से आपको मिल गया 3x, 4 3 जो 12 माइनस में 12 इक्वल टू माइनस में 6, तो 3x इक्वल टू 12 माइनस में 6, 3x इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 6 बाई 3, 3 2 जो 6, x की वैल्यू मिल गई आपको 2। ये हो गई x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या हो गई माइनस में 3। ये आपको मिल गया किससे, विलोपन विधि से। देखो यहाँ पे कितना आसान हुआ विलोपन विधि। अब देखते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ठीक। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, एक को क्या करना है दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना है। फिर से इक्वेशन वही बनाओ 3x + में 4y इक्वल टू माइनस में 6 पहला इक्वेशन, सॉरी 3x - में y इक्वल टू 9 ये दूसरा इक्वेशन। अब आपको क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम सेकंड इक्वेशन से, बाय इक्वेशन सेकंड लिखो, बाय इक्वेशन सेकंड। अब इस सेकंड इक्वेशन में देखो क्या है, 3x - में y इक्वल टू 9, यहाँ से आपको मिल गया 3x इक्वल टू 9 प्लस में y। अब यहाँ से x इक्वल टू मिल जाएगा 9 प्लस में y डिवाइड बाई 3, ये है x की वैल्यू। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, जो भी है वैल्यू ऑफ x, अब किस में रखना है, हमने सेकंड लिया था फर्स्ट रखेंगे इन इक्वेशन में फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x x की वैल्यू क्या है 9 प्लस में y बाई 3 ब्रैकेट क्लोज देन 4y इक्वल टू माइनस में 6। अब यहाँ देखो 3 से कैंसिल, तो बचा 9 प्लस में y प्लस में 4y इक्वल टू माइनस में 6, तो ये हो गया 5y इक्वल टू माइनस में 6 माइनस में 9, तो 5y इक्वल टू माइनस में 15, y इक्वल टू क्या आ गया माइनस में 15 अपॉन में 5 3 जा 15, y इक्वल टू माइनस में 3, ये आपको मिल गया x और y। तो x की वैल्यू अब निकालना, y की वैल्यू निकल गई, तो y की वैल्यू रख लें किसी इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट में रख लिया सेकंड रखते हैं,
वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन इक्वेशन सेकेंड में हम रखेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या दी, 3x माइनस में y, y की वैल्यू माइनस 3 इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ से 3x इक्वल टू माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 3 इक्वल टू 9, तो यहाँ से 3x इक्वल टू 9 माइनस में 3, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6 बाई 3, 3 टू जो 6, x की वैल्यू क्या आ गई 2, ये आपको मिल गया आंसर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस में 3, ये आपको दो मिल गए। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही और एलिमिनेशन मेथड से ध्यान देना, कभी हो सकता है कि x की वैल्यू यहाँ पे आ गए 14 अपार में मैं लिख दे 16, तो इतना लिख कर छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आपको क्या करना है इजी फॉर्म में चेंज कर देना, याद रखना। फिर आपको हो सकता है किसमें ना मिलो उसमें ना मिलो, तो ये ऐसे हो सकता है कि 2 14 2 16 1/8 इसमें आ रहा हो उसमें, ठीक। तो ध्यान देना है, ये सिंप्लीफिकेशन खुद करना है और पहला क्वेश्चन समाप्त। अब नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। पढ़ो घर पे, खूब पढ़ते रहो, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, 10th क्लास है, बार बार बोल रहा हूँ मेहनत करो, और अभी से अगर आप लोग तैयारी करने स्टार्ट कर दोगे सही से, तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ आपका स्कूल, अभी से अगर आप 3 चैप्टर अभी ख़त्म कर दे रहे तो समझ लो आप मैथ को लास्ट तक जाते जाते अगर हमारे साथ बने रहोगे तो मैथ 3 से 4 बार ख़त्म करेंगे। बाकी जैसे आपको बताया गया था स्टार्टिंग में कि पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे, 1 नहीं 2 बार पेपर सॉल्व कराया जाएगा, लाइव क्लासेस ली जाएगी, बस आप पढ़ते रहो बस, ठीक। धन्यवाद।